मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का हुआ निधन। कल ही मनाया जाना था 93वां जन्मदिन। देश की स्वतंत्रता लड़ाई में भी दिया था योगदान। सीएम शिवराज सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया। सिवनी जिले में हुआ भीषण हादसा, 5 लोगों की हुई मौत। पंडोल के ग्राम अलोनिया के पास हुआ हादसा। कार सवार 8 लोगों में से 5 लोगों की मौत होने की जानकारी। खड़े टैंकर से जाकर टकराई थी कार। बनारस के दुर्गापुर से कर्नाटक जा रहा था परिवार। सागर के राहतगढ़ पहुंचे मंत्री भूपेंद्र सिंह। शीघ्र होंगे नगरीय निकाय चुनाव। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री। मंत्री बोले, चुनाव की तैयारियां पूरी, सही समय पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार। रतलाम के ताल शासकीय कॉलेज के नवीन भवन का हुआ लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया लोकार्पण। करीब 6,50,00,000 रुपयों की लागत से हुआ है निर्माण। मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया भी रहे मौजूद। भिंड में श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा। कालका मंदिर जाते समय हुई दुर्घटना। दुर्घटना में 1 महिला की हुई मौत, 3 लोग हुए घायल। मेहदा पुल के पास हुई दुर्घटना। पूजन अर्चना करने कालका मंदिर जा रहे थे श्रद्धालु। पीथमपुर में कुख्यात बदमाश का अवैध कब्जा हटाया गया। नगर पालिका और पुलिस की टीम रही मौजूद। कुख्यात बदमाश के खिलाफ है 14 केस दर्ज। कुछ लोगों के बहस करने पर दी गई समझाइश। पीथमपुर के सेक्टर 3 में हुई कार्रवाई। ग्वालियर में तड़के सुबह अस्पताल पहुंचे मंत्री प्रद्युमन सिंह। जयपुर से ग्वालियर लौटते समय किया दौरा। बिरला नगर प्रसूति गृह एवं हजीरा सिविल अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री। कड़ाके की ठंड में मरीजों का हाल जाना, व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। उमरिया के पाली में पुलिस भर्ती प्रशिक्षण के लिए लगाया गया कैंप। दूर दूर से हिस्सा लेने पहुंचे बड़ी संख्या में युवा। कोरोना गाइडलाइंस की हुई अनदेखी। युवाओं ने एक दूसरे के जरिए जानकारी लगने की बात कही। देपालपुर में बीजेपी मंडल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर रहे मौजूद। श्री 24 अवतार मंदिर में हुआ आयोजन। प्रदेश भर में मंडल स्तर पर हो रहा प्रशिक्षण। जिला अध्यक्ष बोले, प्रशिक्षण वर्गों का होना एक निरंतर प्रक्रिया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में संत गाडगे महाराज को दी गई श्रद्धांजलि। अमरवाड़ा धोबी समाज संघ ने की बैठक आयोजित। मालवीय समाज को आगे बढ़ाने एवं आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई। सिरोही के स्वरूपगंज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई आयोजित। फाइनल मैच में धनादी की टीम ने मारी बाजी। आंजना कल्बी समाज द्वारा किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में शामिल हुई थी करीब 20 टीमें।